एक तो 6 अगस्त का दिन है, मतलब एक साल एक दिन शिलान्यास के बाद आंदोलन इतना लंबा चला कि आप सब के जिस दौर की तस्वीरें हम सबको याद हैं, बातें याद हैं, उम्र इस पड़ाव पर खड़ी है। आपने वीरन जी, सबसे पहले तो ये आप बताइए कि ले लीजिए माइक, आज शिलान्यास हुआ है, निर्माण शुरू हुआ है, योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि नया अयोध्या, उसकी बात करते हैं। विश्वास है कि अयोध्या नगरी जो है वो उसी वैभव की बनेगी जिस पर कल्पना करके वो लड़ाई लड़ी गई थी। नहीं, पूरी उसी कल्पना के आधार पर अयोध्या को बनाया जाएगा। समय लग सकता है, निर्माण में समय लगता है, बनाने में समय लगता है, और उसका वर्तमान समय का जो स्वरूप है, महानगर उसको बना दिया अयोध्या को है, बहुत सारे गांव ले लिए गए हैं, बहुत दूर दूर तक का अधिग्रहण हो रहा है, तो वहाँ पंचकोशी परिक्रमा, 14 कोसी परिक्रमा, ये सब पक्की बन रहे मार्ग, और उसके साथ साथ कच्चा मार्ग भी रहेगा, बहुत सारे लोग नंगे पैर चलते हैं, तो उनका भी ख्याल रखते हुए पूरी उसी प्रकार की स्थिति बनाई जाएगी, तो पूरा होगा, चिंता करने की जरूरत नहीं। पर प्रमोद जी, आचार्य प्रमोद जी, आपको चिंता है? माइक, किस बात की चिंता? जो उन्होंने कहा चिंता करने की जरूरत नहीं है, होगा जैसी परिकल्पना थी वैसा ही होगा। देखिए, अयोध्या करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। हम भगवान श्री राम के जन्मभूमि का मंदिर बने और अयोध्या का चहुमुखी विकास हो, इसकी कामना और कल्पना बहुत दिनों से की जा रही थी। ये शुभ घड़ी आई है। मैं पूरे देश के और विदेश के तमाम उन श्रद्धालुओं को बधाई देता हूँ और परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि सबका मंगल हो। इसलिए जहाँ भगवान श्री राम की जन्मभूमि का विकास का सवाल है, उसमें किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ना चिंतन की आवश्यकता है। जहाँ राम है वहाँ अपने आप सब काम बन जाते हैं। हालांकि हमने एक सवाल रखा था इस सत्र के लिए, उसे वैटिकन से जोड़ करके, क्या वैसी कोई व्यवस्था हो सकती है कि नगरी अपने आप में विशिष्ट, ये नगरी तो हमेशा ही विशिष्ट रही, चाहे विवाद रहे हों चाहे नहीं रहे हों। सत्येंद्र जी, अगर माइक ले लीजिएगा जी, आपने वो दर्द भी देखा है जब प्रभु को एक बार साल में वस्त्र 2 बार बदलने के लिए मिलते थे, आज रोज रत्न आभूषण से जड़े हुए वो पहनते हैं। पर क्या अयोध्या नगरी की ऐसी परिकल्पना की जा सकती है जहां पर सिर्फ एक धार्मिक पर्यटन के लिए न हो, उसकी विशिष्टता उसकी मौजूदगी भर से समझ में आ जाए, उसके लिए पर्यटन शब्द का हमें इस्तेमाल न करना हो? और इसीलिए हमने वैटिकन से इसे जोड़ने का प्रयास किया था कि क्या अपने आप में एक अलग विशिष्टता इसमें। अयोध्या नाम नगरी तथा श्री लोक विश्रुता मनुना मानवेन्द्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं, वह अयोध्या नगरी विश्व में प्रसिद्ध आज से नहीं त्रेता युग से है, और लोक के किसी भी तीर्थ स्थान का, किसी भी भवन का, किसी भी सुंदरता का तुलना अयोध्या नगरी से नहीं हो सकता। तुलना करते हैं लोग, ऐसा है नहीं, क्योंकि अयोध्या नगरी जो है वह क्या है, वो स्वयं भगवान विष्णु का शरीर है। तब विष्णु वैकुंठ थे, दीन अयोध्या आन मन लाए महिलोक में श्रीपत कर तनुजान, वो अयोध्या नगरी है जो भगवान श्री भगवान विष्णु की शरीर है। भगवान विष्णु की शरीर होते उस जगह वह परमात्मा का अवतार हुआ, जितने रमंते योगिनो जस्मिन नित्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदेनासु परब्रह्मा विधीयते। जो परब्रह्म परमात्मा है वह मानव के रूप में उस नगरी में अवतार लिया था। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि गो द्विज धेनु देव हितकारी
कृपा सिंधु मानुष तनधारी, भगवान राम ने मानव के रूप में क्यों लिया, इस बात का भी स्वयं वो कहते हैं कि मानव के शरीर धारण करने का प्रयास यही है कि धर्म की स्थापना और धर्म का विनाश।